यूपी के बुलंदशहर जनपद में एक युवक को दलित युवक किसान ने बाजरे की फसल की निकासी के लिए फोन किया तो युवक की पत्नी ने फोन रिसीव कर लिया, जिसकी खबर लगते ही युवक नाराज हो गया तो युवक ने तुरंत 4-5 साथियों समेत दलित किसान युवक की बेरहमी से लाठी डंडों से पिटाई कर दी। वहीं दलित युवक की पिटाई से उसके अंगों पर गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं फिर दलित युवक ने पुलिस से मामले की सारी शिकायत की है। यह पूरा मामला बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गाँव का बताया जा रहा है। बोल, क्या नाम है तुम्हारा? विशाल नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो विशाल? कुंवरपुर का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई है आपके साथ में? मेरे साथ भैया बहुत दूसरे से मारा हूँ, तीरों से मारा हूँ। किन्होंने मारा है आपको? मारा गाड़ियों में। नहीं, कौन लोग थे, क्या क्या नाम है उनके? दीपू, क्या नाम है आपका? गोकुल सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? कुंवरपुर। आपके बेटे के साथ में क्या घटना हुई है? ये हमारे लड़के के साथ में घटना, ग्राम पर ग्राम कुंवरपुर का प्रधान मौजूदगी में बैठा हुआ था, उसके सामने लोगों ने, ब्राह्मणों ने, और इसे टेबलों से पीटा है, बहुत दौड़ा दौड़ा करके मारा है। हम अपने बेटे को नहीं बचा पाए। कौन लोग थे मारने वाले? ब्राह्मण थे। क्या नाम है उनके? उनके रमेश, उनके पिताजी का नाम है। सबसे बड़े लड़के का मुकेश, दीपू, मोहित, सचिन और एक का प्रशांत, दिनेश का लड़का है। ग्राम प्रधान ने अपनी मौजूदगी में पिटवाया आपके बेटे को? हाँ, ग्राम प्रधान जो है मौजूदगी में थे वहाँ और पूरा फेवर उठ ले रहे हैं। फिर आपने थाने में कोई तहरीर दी है? हाँ जी, तहरीर दी है। अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है हमारी। क्या आश्वासन मिला थाने से आपको? ये आश्वासन रात पुलिस आई थी, कह रहे थे कि ठीक है, हम पैरे भी कर रहे हैं, इन लोगों ने पैसे भर दिए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। डॉक्टरी कराई है आपकी बेटी? हाँ जी, डॉक्टरी कराई है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इनसे मुकदमा।